मेरा नाम अब्दुल राजेश कुमार है, मैं पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मम्मा एक हाउसवाइफ हैं और पापा हलवाई का काम करते हैं। फर्स्ट मई को ही मेरा बर्थडे होता है। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन पे गया था, अपने हमारे घर गेस्ट आए थे उनको लेने के लिए गया था। तो जैसे ही रेलवे ट्रैक पे मैं खड़ा था तो ट्रेन आ रही थी, तो मैं साइड पे हो गया। मैंने कहा अभी ये ट्रेन निकलेगी फिर निकलूँगा, लेकिन जिस ट्रैक पे मैं दूसरे ट्रैक पे चला गया उधर से भी ट्रेन आ गई। काफ़ी छोटा था, एकदम से कन्फ्यूज हो गया। तो जैसे ही मैं फिर कभी इधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ, तो मैं दोनों ट्रेनों के बीच में खड़ा हो गया कि ट्रेन एक इधर से निकल जाएगी इधर से निकल जाएगी। लेकिन जब ट्रेन पास आई तो मैंने देखा कि मैं ट्रैक के बीच में खड़ा हूँ। तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली, ट्रेन ने मुझे राइट साइड पर मारा और मैं ये वाली आइस बाहर आ गई, तो मैं ट्रेन के आगे गिर गया। जैसे जैसे ट्रेन चलती गई तो मैं नीचे नीचे घूमता गया, मेरा ये वाला पाँव उसके नीचे फंस गया और ये वाला उधर ही कट गया था। लेकिन डॉक्टर ने जब देखा कि इसकी सांसें चल रही हैं तो क्यों ना हमें इसे बचाना चाहिए। रात को 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन चला। जब सुबह उन्होंने हमें बताया, उन्होंने उनको 7 बजे बताया कि आपका बेटा बच गया है, तो उसके बाद मैं लेग्स लगी, लेग्स में मैंने चलना स्टार्ट किया। चलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा कोई तो काम है जो छूट गया जो मुझे करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले अपने डांस को चुना। तो जब मैंने मम्मा से बोला कि मुझे डांस करना है, तो पापा को बोला मुझे डांस करना, उनका पहले रिएक्शन ये था, डांस तू डांस करेगा, ऑलरेडी तेरी लेग्स नहीं है, किस तरीके से हमें ये लेग्स अरेंज किए तुझे पता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे डांस स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने डांस को चुना। तो मैंने घर में ही TV पे देख देख के डांस करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैं एक स्टेप करता था दर्द होती थी, एक स्टेप करता था और दर्द होती थी। लेकिन मुझे ये अंदर से एहसास आया कि जितनी मैं दर्द को सहूंगा उतना ही आगे बढ़ूंगा, तो वही मेरे काम आया। बीट पकड़ना ठीक है, पहले मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता था, मैं चाइनीज ऐप पे काफ़ी काम कर चुका हूँ, लेकिन जो रिस्पांस मुझे जोश ऐप पे मिला है वो आज तक कहीं नहीं। इस ऐप पे लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, यहाँ पे लोगों ने मेरा कंटेंट बहुत पसंद किया, जहाँ पे मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, शायद एक दो दिन में हो जाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो इतना नहीं देखा गया, लोगों की समझ में नहीं आया ये चीज़ क्या है, कोई मुझे नीचे कमेंट कर रहा है ये रोबोट है जहाँ ये क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने 2-3 वीडियो डाला डांस का तो लोगों को समझ आया, हाँ ये लड़का डांस करता है बिना टांगों के साथ। तो वो धीरे 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 मेरा अनुभव जोश और बढ़ता गया, जोश ऐप पे मेरी वीडियो चलने लगी, लोग मुझे पसंद करने लगे। तो जोश ऐप का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। लाइट कैमरा जोश के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, लाइट कैमरा जोश के लिए मैं जा भी रहा हूँ उस पार्टी में, उन्होंने मुझे स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। मेरी लाइव परफॉर्मेंस होगी, कितनी पब्लिक होगी, कोरोना के बाद मेरा पहला शो ये होगा।